दोस्तों आप लोगों को एक नया वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की बात करें तो उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, लेकिन फिर भी इस पे साल में लगभग 500 से अधिक लोग चढ़ाई करते हैं। वही कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6600 मीटर है, जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद भी इस कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है। दोस्तों कैलाश पर्वत की चोटियों पर दो झील मौजूद है, जिसका नाम राक्षस झील और मानसरोवर झील है। दोस्तों राक्षस झील का आकार चांद की तरह है और यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है। राक्षस झील से 1 किलोमीटर दूर में स्थित मानसरोवर झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी का झील है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर जो भी इंसान चढ़ने का कोशिश करता है उसका मृत्यु हो जाता है। हमारे पृथ्वी के उत्तर में एक उत्तरी ध्रुव है और वही दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, जो इन दोनों ध्रुवों के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित कैलाश पर्वत है। इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने कई बार भी पुष्टि किया है। दोस्तों बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें हिमालय पर्वत पर लंबे चौड़े हिम मानव के संकेत मिले हैं, जो आम आदमी के साइज से डबल होते हैं। इनके शरीर पर बड़े से बड़े बाल होते हैं। ये हिमालय के ऐसे दुर्गम स्थान पर रहते हैं जहाँ आम आदमी नहीं जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर कई बार 7 अलग अलग रंग की रोशनी चमकते हुए दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चुंबकीय बल के कारण इस प्रकार का चमत्कार देखने को मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मानसरोवर झील में देवता स्नान किया करते थे। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है तो उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस महान पर्वत के 4 मुख्य नदियाँ हैं, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र, सतलज, घाघरा, सिंध इत्यादि है। दोस्तों कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से मना किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग कैलाश पर्वत के आसपास होते हैं उनका 12 घंटा के अंदर बाल नाखून बढ़ने लगता है, जो सामान्य जीवन के 2 सप्ताह के बराबर होता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को स्वर्ग का सीढ़ी कहा जाता है। कैलाश पर्वत 4 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म इत्यादि। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कैलाश पर्वत चढ़ने का कोशिश करता है उसका मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साक्षात शिव शंकर और माता पार्वती का निवास माना जाता है। दोस्तों जो पवित्र आत्माएं होती है वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है, और कहा जाता है कि जिनका मन पवित्र होता है पुण्य आत्माएं होती है, उन्हें शंकर भगवान और माता पार्वती दर्शन देते हैं, उसके बाद उनका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।